सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फ्रेंड चैनल, दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको अपने बड़े लड़के से मिलवाने लाया हूं अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों 3D ड्राइंगें वगैरह बनाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपने इनका चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना ये कैसा काम करते हैं। चलिए ये बाकी बातें ये करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है करण। आज मैं अपने फादर के चैनल पे आऊं और मेरा भी चैनल है ये YouTube पे, जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि हम 3D ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। जो आज की वीडियो है वो मैंने बनाई है, उस पर मैंने आपको वो सिखाया है कि हम अलमीरा की हम 3D ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। और जो मेरे चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप वहाँ पे आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे आपने मेरे फादर के चैनल को प्यार दिया वैसे आप मेरे चैनल को भी प्यार देना। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू फर्नीचर या दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हम अलमीरा कैसे बना सकते हैं सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमें सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, देन हमें कंट्रोल एन प्रेस करना है कीबोर्ड से, पार्ट पे आके हमें अब कर देना ओके। अब हमारा पार्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, पार्ट फाइल हमारी ओपन हो गई है। देन जो हमारा जो यूनिट सिस्टम है वो हमें रखना है IPS में, ठीक है, इंच पाउंड सेकंड में। देन हम उसके बाद जाएंगे फीचर्स कह रहा हूँ मैं, स्केच पे जाएंगे, देन स्केच पे क्लिक करना है फ्रंट प्लेन। अब मैं अलमीरा का मेन स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, उसका साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसका साइज़ है हमारा 36 इंचेस का, और ये जो हमारी है हमारी 72 इंचेस की। यहाँ से मैं कर रहा हूँ एग्जिट करने के बाद हम यहाँ पे लगाऊंगा एक्सट्रूड बॉस में जो हमारी इसकी लेंथ है वो है हमारी 23। देन उसको कर रहा हूँ ओके प्रेस। इतना करने के बाद अब मैं इसमें लगाऊंगा शेल। अब मैं इसमें बोर्ड की थिकनेस दूंगा जो हमारी है 19 mm का। ये मैंने मेन स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। अब मैं इसके बीच में पार्टीशन दूंगा, पार्टीशन में जो मतलब 23 इंची पे मैं ये 23 इंची की है, मतलब 3 इंची छोड़ के दूंगा, मतलब यहाँ से दूंगा पार्टीशन। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे दूंगा पार्टीशन। रेफरेंस प्लेन पे जाके देन इस वाले फेस पे क्लिक करना है, जो पार्टीशन है वो हमारा है 3 इंचज़ पे। इसको कर देते हैं हम फ्लिप, इसको मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। अब हमें प्लेन पे ड्राइंग ड्रॉ करनी है, जैसे हमें पार्टीशन डालना है इस पर करके, मैं कर रहा हूँ इस पर करके Ctrl+8। देन मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, यानी यहाँ से मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सेंटर में नहीं है, 39 इंचज पे है। इसको मैं दे दूँ 39 इंचज पे, ये 39 इंचज पे है। इतना करने के बाद इस वाले कंपार्टमेंट में, जो ये वाला कंपार्टमेंट है, इसके अंदर मैं 3 शेल्फ दूंगा, वो 13 इंची के हाइट पे होंगी। ऐसी एक खोर यहाँ पे, इनका मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का 13 इंचज। देन यहाँ से यहाँ तक का 13 इंचज, और मैं इनको कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज कर लूँगा, इसको और इसको भी। इतना करने के बाद यहाँ से करना है हमें एग्जिट। इतना हो गया। अब मैं Ctrl+8 प्रेस करके सेव, Ctrl+8 प्रेस करके नॉर्मल हो जाएगी स्क्रीन के। देन अब हमें यहाँ पे जो हमें दराज बनाना है उसके लिए मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, उसकी जो हाइट है वो है 5 इंचज़ की, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो हमारा 1.5 इंची के करीब। इतना हो गया। इतना होने के बाद थिंक इसको और इसको कॉलिनियर करना पड़ेगा,
इसको सिलेक्ट करके, देन इसको सिलेक्ट करके हमें अब कर देना है कॉलिनियर, देन यहाँ पे भी ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी हमें सॉलिड पोर्शन देना है, देन यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम बोर्ड की थिकनेस दे देंगे जो है हमारी 0.75 इंचेस, और नीचे भी हम बोर्ड की थिकनेस देंगे जो कि हमारी वही 0.75 इंचेस के करीब, 0.75 इंचेस, और हम यहाँ पे बीच में भी देंगे अब थिकनेस, ऐसे सेम ऐसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ करना है। अब मैं इसके सिमेट्री कर दूंगा इन दोनों लाइनों को, ऐसी यहाँ पे भी, ऐसी यहाँ पे भी। सिमेट्री करने के बाद अब मैं इनका डिस्टेंस दे रहा हूँ जो 0.75 है इंचेस, ऐसे यहाँ पे 0.75 इंचेस, ऐसे यहाँ पे 0.75 इंचेस। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ एग्जिट, अब मैं यहाँ पे करूँगा एक्सट्रूड बॉस, मैंने वाला प्लेन सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ से इसको करना है डिलीट, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये, ये, देन ये, देन ये। इतना करने के बाद अब यहाँ से हमें कर देना है प्रेस ओक, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से अप टू सरफेस, सरफेस हमें यहाँ तक करना है, उसको कर रहा हूँ ओके, यहाँ पे नहीं हो रहा, इसको दोबारा हम क्लियर सेक्शन करके दोबारा कर लेते हैं, यहाँ पे देन इसको सेलेक्ट करना है, देन इसको, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे ब्लाइंड कर देते हैं, ब्लाइंड, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, इसको कर रहे हैं हम 20, ऐसे ओके। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ से प्लेन को कर रहा हूँ हाइड, हाइड हो गया, हाइड करने के बाद अब मैं नीचे इसकी स्कार्टिंग लगा देता हूँ, कंट्रोल 8 प्रेस करके नॉर्मल, नॉर्मल टू द स्क्रीन, हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक का डिस्टेंस है वो हमारा 1 इंच ही है, हम इसको कर देंगे एक्सट्रूड, करेंगे एक्सट्रूड बॉस, एक्सट्रूड बॉस हम करेंगे इसको 4 इंच के करीब, इसे ओके, ओके प्रेस करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इतना बनने के बाद हम इस वाले स्केच पे प्लेन करेंगे, इस वाले प्लेन पे स्केच करेंगे, इस वाले फेस पे,
कंट्रोल एट प्रेस करके मैं इस वाले यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ, देन यहाँ पे सेंटर का शो हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना है लाइन। अब कंट्रोल एट प्रेस करना है, देन यहाँ पे ऐसे, देन डायमेंशन दे देनी है हमें, इसको कर रहा हूँ मैं 0.75 और देन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैं 5 दे रहा हूँ, देन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी मैं 5 दे रहा हूँ। इतना करने के बाद अब मैं इसको सिमेट्री कर दूंगा इन तीनों लाइनों को। सिमेट्री हो गई है, अब यहाँ से हम करेंगे एग्जिट, यहाँ से एक्सट्रूड बॉस जो हम करेंगे 0.5, ठीक है, इसको अब हम कर देते ओके। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर रेफरेंस प्लेन ड्रॉ करेंगे सेंटर में, कैसे करेंगे ऐसे। इतना करने के बाद अब हम यहाँ से करेंगे मिरर, किसके अबाउट करना है, इसके अबाउट, कौन सा फेस करना है, कौन सा फीचर करना है, वो ये वाला फीचर करना है, देन हम इसको कर देंगे प्रेस ओके। ये हमारा सेम आ गया। अब हम इस वाले प्लेन को कर देंगे यहाँ से हाइड, इस वाले फेस पे स्केच करेंगे ट्रोल जेड कंट्रोल एट, स्केच करेंगे कंट्रोल एट एट, इस पर क्लिक करेंगे, देन स्कोप यहाँ से। इतना करने के बाद अब मैं एक्सट्रूड बॉस करूँगा वही 0.5 इंचेस। इतना हो गया, इतना होने के बाद अब मैं इसमें कलर कर देता हूँ। अब हम इसके ऊपर कलर कर देते हैं, अपीयरेंस में जाके फेस में जाएंगे और मैं इसके ऊपर रेड कलर कर रहा हूँ इस वाले फेस पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे भी, देन यहाँ पे, देन इस पे, देन इस पे, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ प्रेस ओके। अब मैं अंदर वाले फेसेस पे कलर करूँगा, वो मैं वाइट कलर कर रहा हूँ, वाइट वाइट वाइट, ये भी वाइट, ये भी, ये भी, ये भी, जिस फेस पे आप क्लिक करोगे वो वाइट कलर का बन जाएगा, ये भी, ये भी, इस पे, देन दिस वाला फेस, दिस 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 दिस। इतना करने के बाद हमें यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ ओके। इतना हो गया, इस वाले फेसेस पे कलर न्यू, इसको भी हम कलर कर देते हैं, फेस पे जाके कोई वाइट कलर, फेस पे हर जगह कलर हो चुका है, देन अब कर देते हैं ओके। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ कंट्रोल एस, मैं इसको सेव कर रहा हूँ एलमीरा, एलमीरा पार्ट वन, एलमीरा पार्ट वन से सेव कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसके स्टार्टिंग मतलब फ्रंट के डोर्स बनाऊँगा, ठीक है, कंट्रोल एन प्रेस करना है, पार्ट पे जाना है, देन अब स्केच पे जाएंगे फ्रंट प्लेन, अब मैं
फ्रंट का डोर ड्रॉ कर रहा हूँ, 17.25, जो इसकी है वो है लेंथ, जो इसकी हाइट है वो है 70 पॉइंट। इसकी हाइट की मैं एक बार डिस्टेंस देख लेता हूँ कितनी इसकी हाइट की डिस्टेंस है, वो हमारी है 70.5, 70.5। देन एग्जिट, एग्जिट करने के बाद एक्सट्रूड बॉस पे जाना है। अब मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से 0.75 थिकनेस, देन ओके। अब मैं हैंडल भी इसके ऊपर लगा देता हूँ। हैंडल कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले हम स्केच इसके ऊपर करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करना है, नॉर्मल टू द स्क्रीन, देन सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, देन एक इसके मिडिल में भी सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, देन स्मार्ट डायमेंशन ये हमें देनी है 3 इंचेस के करीब। यहाँ से अब हमें करना है एग्जिट, एग्जिट कह रहा हूँ, एग्जिट नहीं करना था, कंट्रोल जेड दबा के यहाँ पे अब हम ड्रॉ करेंगे हैंडल का साइज। हैंडल का जो हमारी हाइट है वो है हमारी 12 इंचेस के करीब, 12 इंचेस। जो इसकी लेंथ है, जो थिकनेस है वो है हमारी 1.25, इसको हम 1 कर देते हैं 1। इतना करने के बाद अब हम इसको सेंटर में ले जाते हैं, सिमेट्री करके हम सेंटर में ले गए हैं। अब मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा, एक्सट्रूड बॉस इस पर क्लिक करूँगा, देन हमें एक्सट्रूड बॉस करना है 0.75 इंचेस के करीब, देन प्रेस ओके। नहीं, एक्सट्रूड बॉस जो था हमारा यहाँ पे एडिट फीचर, इसको मैं कर रहा हूँ 1.25, यहाँ से मैं कर रहा हूँ ओके। इस पे हम स्केच करेंगे कंट्रोल 8, यहाँ पे जाना है, देन यहाँ पे इस पे लाइन और इस पे लाइन को हम कोइंसाइड कर देंगे। सॉरी मैं कोइंसाइड कर था, कोलिनियर कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद स्मार्ट डायमेंशन, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से 1, इसको भी हम यहाँ से करूँगा मैं 1, और यहाँ से लेके डिस्टेंस को कर रहा हूँ मैं 0.25। मैं यहाँ से प्रेस करूँगा एग्जिट, देन एक्सट्रूड कट, प्रेस ओके। देन हैंडल हमारा ड्रॉ हो चुका है, बन चुका है। इसको थोड़ा अच्छा और दिखाने के लिए मैं फिलेट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके फिलेट लगा रहा हूँ यहाँ पे और एक इस वाले एच पे। देन यहाँ से ओके, हैंडल हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। देन मैं इस वाले फ्रंट डोर पे भी कलर कर देता हूँ, अपीयरेंस पे जाके फेस पे क्लिक करना है, हमें जाना है वाइट पे, यहाँ पे भी वाइट और यहाँ पे भी वाइट। इतना करने के बाद मैं यहाँ से कर रहा हूँ ओके। इसको हम कर लेते हैं ब्राउन कलर का, फेस पे जाके ब्राउन, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ ओके। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसके बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ कंट्रोल एस से सेव।
इसको कर रहा हूँ अलमारी पार्ट टू, अलमीरा, अलमीरा पार्ट टू। इतना करने के बाद अब कंट्रोल एन प्रेस करके हम इसका हम दराज बनाएंगे। अब हम जाने स्केच फ्रंट प्लेन, देन इस पे, देन इसके ओरिजिन से हमें ड्रॉ करना है जो हमारा ड्रॉअर के डायमेंशन है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ इसमें, वो हमारी 15.38 तो हमारी इसकी लेंथ है, जो हाइट है वो है हमारी 5 इंचेस के करीब, ठीक है। देन जाएंगे फीचर्स पे, एक्सट्रूड बॉस पे, एक्सट्रूड बॉस हमारा हो रहा है 19.25 5, यहाँ से हमें करना है प्रेस ओके। देन शेल इस वाले फेस पे करना है, बोर्ड की थिकनेस हमारी 0.75, देन प्रेस ओके। अब इसके हम फ्रंट पे भी हैंडल लगा देते हैं, कंट्रोल 8 प्रेस करके नॉर्मल टू द स्क्रीन सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर ये आगे सेंटर इसका ड्रॉ का सेंटर, ऐसी हम यहाँ से सेंटर लेंगे, सेंटर ले लिया। अब हमने यहाँ पे अब हम हैंडल की डायमेंशन देंगे, ये हमारी 6 इंचेस का, और ये जो हमारा है 1 इंची का, इसको अब हम सिमेट्री कर लेंगे, एकदम सेंटर में ले जाएंगे। सेंटर में ले जाने के बाद यहाँ से करना है अब क्लोज, एक्सट्रूड बॉस, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से 1.25। इतना करने के बाद यहाँ से अब कर देना हमें ओके। यहाँ पे अब हम ड्रॉ करेंगे एक्सट्रूड कट के लिए, यहाँ से मैं डायमेंशन दे रहा हूँ 0.5 0.5 0.25। इतना करने के बाद एग्जिट, एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट कर रहे हैं अब हम, इतना हो जाएगा, एक्सट्रूड कट कर देते ओके। इस पे भी हम फिलर लगा देंगे, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ ओके। ये हमारा ड्रॉअर बन चुका है, हमारा दराज तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर कलर कर देता हूँ, अपीयरेंस फेस, इसमें मैं कर रहा हूँ रेड कलर का, यहाँ पे भी ठीक है, अंदर भी हम रेड कर देते हैं, यहाँ पे भी, इतना करने के बाद इस पे हम गोल्डन कलर कर देंगे, गोल्डन नहीं, इस पे हम वाइट कलर कर देंगे, नहीं ब्लू भी सही लग रहा है, ब्लू कर देंगे अब हम इसको, नहीं ऐसे नॉर्मल छोड़ देंगे, काफ़ी सही लग रहा है देखने में ये। अब हम कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, एलमीरा पार्ट थ्री, एलमीरा
पार्ट थ्री। देन अब हम स्लैब बनाएंगे, कंट्रोल एन, ओके, स्केच, फ्रंट प्लेन, जो उसकी डिस्टेंस है वो है हमारा लेंथ है 34.5 है और जो इसकी 19.25 इसकी हाइट है, हमारी लेंथ होगी, हाइट होगी। देन यहाँ से करना एग्जिट, देन एक्सट्रूड बॉस 0.75, देन प्रेस ओके। इसको मैं कर रहा हूँ फुल रेड कलर, बॉडी पे जाके एक बार में रेड कलर, कंट्रोल एस से सेव, एलमीरा एलमीरा पार्ट फोर। अब इन सारी चीज़ों को अब हम असेंबल करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करके असेंबली में जाके ओके। देन एलमीरा पार्ट फर्स्ट को क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ओके हमारा आ चुका है। इंसर्ट पार्ट, इंसर्ट कंपोनेंट, एलमीरा पार्ट टू हमारा आ चुका है, ठीक है। इतना करने के बाद उसको लगाते हैं, इस पे क्लिक करना है इस वाले एच पे, देन इस वाले एच पे क्लिक करना है, देन प्रेस ओके। देन इस वाली एच पे क्लिक करना है, देन इस वाली एज पे क्लिक करना है, देन प्रेस ओके। इतना बनने के बाद अभी इसमें इसको अब एंगल देंगे। अब हम एडवांस मेट ओपन करके एंगल पे जाके इस वाले फेस को क्लिक करना है, देन इस वाले फेस को क्लिक करना है, देन मिनिमम एंगल इसका मैं दे रहा हूँ 0 और मैक्सिमम एंगल दे रहा हूँ मैं इसका 90। देन यहाँ से मैं कर रहा हूँ प्रेस ओके। इतना करने के बाद ये हमारा 90 डिग्री तक ही मूव होगा, इतना हो गया। यहाँ से कैंसिल, यहाँ से अब मैं प्लेन टू ओपन शो कर दूंगा, कंपोनेंट पे आके मिरर कंपोनेंट, ये वाला मिरर हमें कंपोनेंट करना है, इसको करना हूँ मैं ओके। इतना करने के बाद हमारे एक ही टाइम पे बंद होंगे, अगर हम एक को बंद करते हैं ठीक है ना, दोनों बंद हो जाएंगे इकट्ठे ही। अगर हम एक दरवाजे को बंद करेंगे दोनों दरवाजे बंद हो जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम इसमें इसका दरार डालेंगे, इंसर्ट कंपोनेंट, अलमीरा पार्ट थ्री, देन यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। देन मेट पे जाना है, देन एडवांस मेट, विड्थ मेट पे जाके इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, देन इस पे और इस पे, देन ओके। इतना करने के बाद देन इस पे क्लिक करना है, देन इस पे क्लिक करना है, देन प्रेस ओके। मेट मैं यहाँ पे जा रहा हूँ स्टैंडर्ड मेट, कॉइंसाइड, देन प्रेस ओके। इतना करने के बाद अब मैं जाऊँगा एडवांस मेट पे, डिस्टेंस पे जाना है,
इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक, देन अंदर वाले फेस पे क्लिक, देन मिनिमम डिस्टेंस देना है 0 और मैक्सिमम डिस्टेंस दे रहा हूँ मैं इसको 18। मैं प्रेस कर रहा हूँ ओके ओके। ये हमारा दराज मूवेबल दराज हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमारी स्लाइडिंग शेल्फ रह गई है, वो भी लगा देते हैं हम। इंसर्ट कंपोनेंट अलमीरा पार्ट 4, मेट पे जाना है, देन इस वाले एज को क्लिक करना है, देन उसके बाद इस वाले एज को क्लिक करना है, देन प्रेस ओके। देन इसको हम देख लेते हैं सही लगा है कि नहीं। सही लगा बिल्कुल। देन इसमें भी अब हम एडवांस मेट पे जाके विड्थ पे जाएंगे, एक बार इस पे क्लिक करेंगे, एक बार इस वाले फेस पे, देन इस पे, इस पे नहीं, इस पर डिलीट, देन इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे कैसे करें, इसको यहाँ से पहले क्लियर सेक्शन कर देते हैं, इसको हम पहले थोड़ा अपनी कन्वीनियंट के लिए इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ मैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, इतना करने के बाद दोबारा मेट पे जाना है, अब एडवांस मेट पे जाना है, विड्थ मेट, इस वाले फेस को क्लिक करना है, देन इस वाले फेस को क्लिक करना है, देन इस वाले फेस को, देन उसके बाद इस वाले फेस को, ये अपने आप आ जाएगा, इसमें दोनों में फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स टाइप हो जाएगा, एकदम सेंटर में आ जाएगा इसके। देन अब इस पर हम एंगल देते हैं, इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे सिलेक्ट करना है, देन इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है, इनमें मिनिमम एंगल दे रहा हूँ मैं 0 डिग्री का और मैक्सिमम 180 डिग्री का, देन ओके। ये हमारी रोटेटिंग शेल्फ हो गई है, स्लाइडिंग शेल्फ बोल सकते हो। ये हमारा ड्रॉअर बन चुका है, ड्रॉअर है ये, हमने अब हमारी अलमीरा क्लोज हो चुकी है, ये हमारी अलमीरा तैयार है। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद आपने ऑल का बटन जरूर दबा लेना ताकि आपके पास नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।